Hello everyone, this is Sumit here, Akai SST Guru as you all know. And today we are going to start a new series and the series will be named as Know Your Heroes. Basically, ek short sa intro deta hu aapko is series ke baare mein. In this series, we'll be talking about all those heroes of India jinke naam to shayad hum jante hain, but unki kahaniyan hame nahi pata. So, within next 2 or 3 minutes, in each and every video, two or three minutes I'll be covering all some aspects of their life which will be very much inspiring for us. And to be honest, aaj hi apna plan nahi tha is cheez ko start karne ka. Today is 15th of May, 16th of May is my birthday, so I was planning ki uske baad I will start something like that. But aaj jo hai ek bade hi great personality ka birthday hai, lekin none of us remember him actually. And the person is Sukhdev. I hope sabne naam suna hoga. फैक्ट इज दैट कि आई मीन आई डेंट सो एनी वर कोई भी स्टेटस या फिर किसी का भी ऐसा पोस्ट सुबह से मुझे कुछ ऐसा दिखा नहीं था. तो पीपल हैव फॉरगॉटन हिम और अपना तो काम ही है. मैंने कहा ना कि अपना मैं जो है सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ न्यू योर हीरोज करके. डॉट कि आज एक बेहतर दिन है एक बेहतर हीरो के बारे में बताने के लिए आपको. तो विद इन नेक्स्ट 2 to 3 मिनट्स मैं उनके बारे में थोड़ी बहुत बातें करूँगा. हमने भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद इन सबको तो बहुत बड़ा हीरो बना दिया. बट कोई भी हीरो आप देखना एक साइड रोल के बिना वो कंप्लीट नहीं होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस. चाहे वो आपका रियल लाइफ हो या फिर रियल लाइफ हो. रियल लाइफ में यहाँ जो है जिन हीरोज़ को हम जानते हैं जिन्हें हम पूछते हैं एक्चुअली उनका लाइफ भी या फिर उनके मूवमेंट्स या फिर जो जो कुछ भी उनकी एक्टिविटीज़ रही वो कहीं ना कहीं इस तरह के जो हीरो हैं सुखदेव जैसे जो हीरो हैं इनके बिना इनकम्प्लीट था. कहते हैं ना कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दुश्मन के दिल हिलते हैं समथिंग लाइक दिस. तो सुखदेव वाज वन ऑफ दैट कि जब वो चलते थे ऐसे तो दुश्मनों के दिल हिलते थे. एंड उनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से ही काफ़ी कुछ हमारा जो जो रिवोल्यूशनरी टेररिज्म जो टर्म जो दिया गया बेसिकली हमारे इंडिया में इनको तो कहीं ना कहीं इनका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है इस चीज़ में. वी नीड टू नो अबाउट हिम. आज फर्स्ट है फर्स्ट वीडियो इसलिए इतना लगा इंट्रो में. नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट हिम. तो जन्म होता है इनका 15th of May 1907. फिर बात करें तो इनका लुधियाना के आसपास में वहाँ इनका जन्म हुआ लुधियाना में है ना. तो बेसिक अगर इंट्रो की बात करें तो हला देवी इनकी माँ थी और पिताजी का नाम था रामलाल थापा. बट देखिए मतलब लुक एट द फीट ऑफ द लाइफ. जब 3 साल के थे उस उम्र में इनके पिताजी जो हैं एक्सपायर कर गए. उसके बाद जो है इनके अंकल अंचित लाल थापर उन्होंने इनकी परवरिश की. ही वॉज अ ट्रू नेशनलिस्ट बिजनेसमैन थे एक नेशनलिस्ट भी थे. इवन जेल भी गए और ऐसा हुआ कि जेल जाने के बाद 2 साल तक जेल में रहे इनके अंकल अंचित लाल थापर साहब. फिर निकलने के बाद बिजनेस वॉज रहे उनके. उसके बाद इन्होंने सुखदेव को ट्रेन किया. सुखदेव के दिमाग में ये चीज़ें डाली कि तुम्हें लड़ना है इस ब्रिटिश अम्पायर से इसके खिलाफ तुम्हें लड़ना है और तुम्हें ऐसे लड़ना है कि एक छाप छूट जाए और ये ब्रिटिशर्स से देश को छोड़ के भागने के लिए मजबूर हो जाए. तो बचपन से इनके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं. कठिनाइयों को तो बंदा झेल ही रहा था. जब तक कठिनाई इंसान झेलता नहीं तब तक वो हीरा बनेगा नहीं. द सेम थिंग वॉज हैपनिंग विद सुखदेव एज वेल. ग्रेजुएशन होता है. ग्रेजुएशन के बाद उनकी माँ और बहन उनको शादी के लिए कहते हैं. एंड लुक एट द आई मीन माइंड सेट ऑफ दिस मैन जिस सेट की मैं फांसी के फंदे पर चढ़ना पसंद करूंगा. शादी के बजाय मैं फांसी के फंदे पर चढ़ना पसंद करूंगा देश के लिए. फ्रॉम दे ऑन इनका जो लाइफ का जो मूवमेंट था वो कम्प्लीटली चेंजअप हो चुका था. HSRA को ज्वाइन करना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, लोटुकेश्वर दत्त इन सबके साथ इनका मिलना जुलना होना और फिर शुरू होता है देश में रिवोल्यूशन. इनका मतलब इनका हुड़दंग एक तरीके से कहें वो शुरू होता है इन द कंट्री. सो एंड ही वॉज अ ट्रू लीडर एक्चुअली. लाहौर नेशनल कॉलेज में जाके इन्होंने यूथ को इंस्पायर किया. नेशनलिज्म का पाठ पढ़ाया बच्चों को है ना. उसके साथ उन्हें इंडिया की विरासत के बारे में समझाया. उसके साथ फिर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया. जेपी सॉन्डर्स उसकी उसको मारा गया. देन जो अपनी असेंबली थी वहाँ बॉम्ब हल्कर में इनका योगदान रहा. बट फेट तो कुछ और मंजूर था. दे ऑल वर अरेस्टेड इन द असेंबली केस एंड देन उन पर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस का चार्ज जो लगता है ये सारी चीज़ें चलती ही हैं. एंड देन फाइनली 23rd of March 1931 तो ये बंदा जो है हंसते हंसते फांसी पे वॉज हैंग डाउन टिल डेथ. सो दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट स्टोरी अबाउट हिम.
अगर आपको लगता है कि स्टोरी से कोई वैल्यू मिलती है, कुछ अच्छी जानकारियाँ मिलती है, तो प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। आई विल बी कमिंग बैक अगेन विद सम स्टोरीज लाइक दिस। एंड ऐसे जितने भी हीरोज़ हैं, चाहे वो अपने फ्रीडम फाइटर्स हो या फिर आर्मी के ऐसे कुछ हीरोज़ हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हो, मैं उनकी कहानियाँ आप तक लेके आऊँगा। टिल देन कीप सपोर्टिंग।